ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 16 जून 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:08 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी में जो फ्राइडे को जबरदस्त रिकवरी देखी थी, उसके बाद कल एक इनसाइड बार ट्रेडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 15 जून आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। जैसे कि आप अगर आपको कल का वीडियो देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,029 के पास, और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,884 के पास। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ, ये यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन लेवल का सपोर्ट टेस्ट किया। कुछ देर के बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया, ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, फिर अपने लोअर हाई लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए इसने फर्स्ट टारगेट 9,837 ये यहाँ पर अचीव किया, सेकेंड टारगेट 9,809 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ, और काफी उसके बाद गिरावट देखने के बाद फिर से एक बार रिकवर होते हुए मार्केट दिखाई दिया और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास ही आके क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 42 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 31,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिली थी, नासडैक करीब 137 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि कमजोरी के साथ कल बंद हुए, और आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो फिर से एक बार रिकवरी यहां से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 200 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स, हांगकांग मार्केट और ताइवान मार्केट भी जबरदस्त अभी इस समय तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 450 पॉइंट्स की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है, रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आज भी हमारे इंडियन मार्केट्स कल के एक बियरिश कैंडलस्टिक के बाद जो फ्राइडे को रिकवरी आई थी उसको कंटिन्यू होते हुए हमें आज दिखाई दे सकता है। तो ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल कहाँ पर होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले डेली चार्ट का सिनेरियो क्या है वो समझ लेते हैं। डेली चार्ट में अगर देखें तो अप ट्रेंड के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी 20 EMA, 50 EMA और 100 EMA, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए, लेकिन अभी तक ये मिक्स्ड अप है, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। और यहाँ से अभी जो ये फॉल आया था उसके बाद ये ज़बरदस्त रिकवरी 400 पॉइंट की ये कैंडल, बुलिश कैंडल हमें दिखा रही है। उसके बाद ये कल इनसाइड बार एक छोटा बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ था, यानी ये जो फ्राइडे का कैंडल है इसका हाई और इसका लो अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है इस हाई के ऊपर तो तुरंत यहाँ पर 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये यहाँ पर हर्डल का काम कर सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर लेवल 10,000 के अराउंड इस समय ये प्लेस हुआ है, 10,035 के पास। तो ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करना, इस हाई को ब्रेक करना, फिर 100 EMA के ऊपर सस्टेन करना, फिर से एक बार सिग्नल दे सकता है कि यहाँ से ये जो रिकवरी है ये तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। तो फिलहाल अभी इन हर्डल्स को पार करना बहुत ज़रूरी है। नीचे देखिए तो 20 EMA ने कल एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया था, जहाँ पर ये पास्ट में यहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था, ये आप गैप क्रिएट हुआ था ये देख सकते हैं, इसका ये जो ऊपर का अपर बैंड था एग्जैक्ट इसी के पास 20 EMA आ रहा था। तो कल यहाँ पर इसका सपोर्ट का काम किया है,
जो कि अराउंड 9736 के पास है, और इसके नीचे 50 EMA का ये ब्लू लाइन है जो कि अराउंड 9648 के पास इस समय है। तो ये सपोर्ट के काम कर सकते हैं, और ऊपर जैसे कि हमने कहा 100 EMA और ये एक फ्राइडे का बुलिश कैंडल का हाई हर्डल का काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये इस समय मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, हो सकता है कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिले, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद एक सेगिश वे में मार्केट देखने को मिले। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। वीकली चार्ट में कल जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हो सकता है फिर से एक बार हैंगिंग मैन का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो, लेकिन अभी तक ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए ये जो पास्ट में यहाँ पर सेटअप बना था, ये हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक, ये प्रॉपर सेटअप है। अभी तक यहाँ पर ये सेटअप बना हुआ नहीं है, सिर्फ सिग्नल दिखा रहा है, ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अभी फिर से इसने एक बार 20 EMA के नीचे कल क्लोज दिया था, लेकिन ये जो सपोर्ट का ये जो लेवल था जहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, ये ब्रेक नहीं हो पाया। तो आज अगर ये फिर से 20 EMA के ऊपर और ये जो हाई बना है लास्ट वीक का, ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ऊपर ये और ये तेजी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई सकता है। तो ये था वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो इस समय का। चलते 60 मिनट की चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर आज कल का लो, यानी ये जहाँ से ये स्विंग लो होके बाउंस बैक एक रिकवरी दिखा रहा था, उसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा, तो निफ्टी इंडेक्स अगर कंफर्टेबली 9710 के नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9675, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9649, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हम अभी एशियाई बाजार देख रहे हैं, ज़बरदस्त तेजी के साथ इस समय ट्रेडिंग हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। तो अगर ये कल का हाई यानी 9942 ये पिवट पॉइंट के R1 के लेवल के ऊपर है कल का हाई, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी ये 50 EMA, 20 EMA और R1 इन तीनों हर्डल्स को पार करके और कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 9978, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,029, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है सेकेंड टारगेट के भी ऊपर अगर ओपन होता है, तो वेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन दिखा सकता है, और जब ये फिर से ब्रेकआउट लेवल के पास आए और ऊपर जाने की कोशिश करे, तभी हम यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।